ladies and gentlemen, to another video of GTA 5. और आज की इस वीडियो में हम लोग खेल रहे हैं दोबारा से आप सभी का फेवरेट RPG versus Jets. And I know कि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारा फेवरेट RPG versus Jets थोड़ी है. भाई देखो, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली होगा. तो रेडी हो जाओ आज के मैच के लिए, क्योंकि हमारे यार बीच में होने वाली है बहुत ज्यादा मस्त लड़ाई. और इसके लिए मैं बनाऊ अभी फिलहाल जेट चौप बना आरपीजी, देखते वो मार पाता है कि नहीं. अरे तो फायरिंग करना शुरू कर भी दिया तूने फ्रॉस्ट भाई, यार आपने भी तो मार दिया मेरे को एक ही बार में. अरे भाई गलती से लग गया, सॉरी यार. गाइस राउंड अभी स्टार्ट हुआ था और गलती से मैंने चॉप को यहाँ पे मार दिया है. कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट राउंड में जो है मेकअप कर लेंगे. लेट्स गो टू राउंड नंबर 2 और इस बार देखते हैं कि कौन जीतता है. सो गाइस आप लोग देख सकते हो राउंड 2 शुरू हो चुका है. एंड आई एम सो सॉरी भाई, इतना जल्दी पहला राउंड खत्म हो गया ना भाई, चॉप एक ही बार में मर गया. फ्रॉस्ट भाई देखना भाई, मैं भी आपको एक ही बार में मारूंगा, टेंशन मत लो. अच्छा अच्छा, पहले तू जेट के अंदर बैठ तो जा मेरे दोस्त. ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने RPG यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है. एंड नाउ आई एम रेडी कि ये चॉप का बच्चा जैसे ही आएगा, हम लोग इसको RPG की बुलेट्स मार करके मिड एयर डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो क्या आप देखना चाहते हो चॉप को डिस्ट्रॉय होते हुए, तो अभी का भी लाइक के बटन को आप डिस्ट्रॉय कर दो. और भाई देखो चॉप ने टेक ऑफ कर लिया है, क्या वो मेरे को मार पाएगा? ओ भाई काफी ज्यादा तेजी से आ रहा है. येलो रॉकेट खाओ तुम. फ्रॉस्ट भाई आप अभी पंखा खाओगे मेरा. येलो 3, 2, 1. अरे बच गया भाई. अरे तू मर गया? व्हाट भाई, कैसे बचा मैं ही जानता हूँ. गाइज फ्रॉस्ट भाई आप बचे कैसे? भाई मैंने तो यार मेक श्योर किया था आप मर जाओ. भाई बहुत क्लोज था यार, लेकिन किसी तरीके से गाइज हम लोग बच गए. नहीं तो सच बता रहा हूँ, मेरा तो डी एंड हो गया था भाई, कितना क्लोज था. अगर आप लोग को मैंने तो 10 सेकंड पीछे जा करके देख सकते हो भाई, कितना ज्यादा क्लोज था. मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को ऑलमोस्ट लग रहा है ना कि मेरा नाक कट गया है भाई. लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग आ चुके हैं राउंड नंबर 3 ऑफ RPG वर्सेस जेट्स वर्जन 1.5. आई मीन 1.45, पता नहीं 1.45 नाम क्यों रखा है इन लोगों ने, मेरे को कोई आइडिया नहीं है गाइस. बट ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि अभी हम लोग आ चुके हैं दोबारा से जेट्स के अंदर. और इस बार टाइम है चॉप के बच्चे को ना उसकी सबक सिखाने की. उसकी हिम्मत कैसे हुई भाई हमसे पंगा लेने का? देख रहे हो कितना क्लोजली मेरे जेट निकाल रहा है भाई. ऐसा लग रहा है ना कि धीरे धीरे हम लोगों की मौत बहुत ज्यादा कंफर्म हो जाएगी अगर मैंने इसका कुछ किया नहीं तो. ओके अच्छा, RPG अभी से ही मारना शुरू कर दिया तूने. फ्रॉस्ट भाई देखो मेरे को मत मार देना भाई पहली बार. अरे टेंशन मत ले यार, तू इतना ज्यादा RPG मार रहा है मेरे लिए. गाइस पहली बार अटैक करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता था, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हम लोग पहले यार पीछे जाएंगे, फिर जेट को घुमाएंगे एंड देन वी विल अटैक. नाउ इट्स टाइम टू अटैक गाइस, चलो देखते हैं मार पाता हूँ या फिर नहीं. और बैम, अरे मरा कि नहीं तू? फर्स्ट भाई मैं तो मर गया, आपको क्या दिखा रहा है भाई? अबे मेरे भी स्क्रीन में राउंड लूजर दिखा रहा है. रुको गाइस अभी पता चलेगा कौन जीता. अबे यार मैं पहले मर गया गाइस, लेकिन मौत दोनों को हुई, बट एक सेकंड से चॉप जीत गया ये मैच. कोई बात नहीं ब्रो, राउंड नंबर 4 में ना हम लोग मेकअप कर लेंगे. लेकिन यार मानना पड़ेगा भाई, कैसे बच गया तू? मैंने जेट फोड़ दिया था गाइस इसके मुंह पर. आई गेस क्या हुआ ना कि चॉप का जो लक है गाइस वो इसकी बहुत ज्यादा मदद कर गया यहाँ पे, इसीलिए वो बच गया. लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि राउंड नंबर 4 है कि 5, हाँ राउंड नंबर 4 में हम लोग करेंगे तबाही. और इस बार लिटरली तबाही करेंगे, क्योंकि मेरे ही हाथ में RPG है भाई, और RPG से ही तबाही होती है. ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हमेशा के जैसा, जितना हो सके उतना ज्यादा RPG कलेक्ट करके. और उसके बाद गाइस यहाँ पर, ओए ये क्या है भाई, छोटे छोटे कॉम्पैक्ट ग्रेनेड लॉन्चर्स भी मिले हैं मेरे को, इसको भी यूज कर सकते हैं क्या? आई डोंट नो भाई, ये मेरे को उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है. मैं टुच्ची मुच्ची चीजों से अटैक नहीं करता गाइस, हम लोग RPG स्पेशलिस्ट है. हम लोग यार सबसे पावरफुल वेपन से बंदे को ढेर कर देंगे. और गाइस ये चॉप का बच्चा इतना टाइम क्यों लगा रहा है यहाँ पहुंचने, मेरे को समझ नहीं आ रहा. मैं कब से रेडी हूं भाई इसको मारने के लिए. एंड आई थिंक चॉप अभी यार, ओए तू क्या कर रहा है वहां खड़ा हो क्या भाई? ये कुछ प्लान कर रहा है गाइस, आई थिंक जिसका हम लोगों को रेडी होना पड़ेगा. बट इसके पहले कि मैं रेडी हूं, मैं सारे के सारे गन्स कलेक्ट कर लेता हूं गाइस, क्योंकि गन्स हम लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेंगे. और देखो पीछे में भी काफी कुछ था यार कलेक्ट करने के लिए जो मैंने अभी तक नहीं किया था. ओ भाई ये देखो यहाँ पर मशीन गन तक रखी है. व्हाट, अरे तू आज आएगा कि नहीं आएगा भाई? मेरे को गेम छोड़ो आएगा क्या तू? फर्स्ट भाई ऐसा नहीं है भाई, रुको भाई प्लेट के अंदर बैठ रहा हूँ मैं. अरे पता नहीं क्या कर रहा था गाइस, आई थिंक ये कोई प्लान बना रहा था वहां पर, प्लेन वगैरह लाइन कर रहा था ताकि एक बार में ही हम लोग पे अटैक कर सके. लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा. ऑलराइट हम लोग इसके ऊपर गोली चला रहे हैं, आई डोंट नो कि इसको गोली लग रही है या फिर नहीं. लेकिन अब मेरे को अपना RPG हाथ में लेना चाहिए गाइस, क्योंकि चॉप हमारे बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है. ये खा RPG, अरे बच गया. ओ भाई अबे बगल से निकल गया. ओए चॉप तेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, तू मेरे को मारेगा नहीं क्या? फर्स्ट भाई देखो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे पहले तो आप अपना मुंह बंद करो भाई, तब से बोले जा रहे हो मेरे को कुछ. मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब क्या? अरे भाई मैं जानता हूँ कि तेरा मास्टर प्लान क्या है ब्रो, तू चाहता है कि मैं जब तेरे पर नजर ना रखूं तब तू मेरे पर अटैक करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है छोटे. अरे कहां से निकल गया यार, एक दो RPG का मेहमान है गाइस ये. एक बार और हिम्मत है तो मेरे पास से गुजर, मैं तेरे को मार मार के उड़ा दूंगा. फर्स्ट भाई मछली समझ के रखा है क्या, मार मार के उड़ा दूंगा मैं भी तो. देखो रुको रेडी हो जाओ भाई. ओके ओके गाइस ऐसा लग रहा है चॉप अप फुल फोर्स में
आ रहा है, आ जाओ मैं भी देखता हूँ कैसे मारता। अरे बॉय, अरे अरे ठुक गया ये। अरे भाई 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 क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ गया चॉप? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने ही मर जाएगा। फ्रॉस्टे भाई बचा लो यार, मेरा एक पंखी टूट गया। अरे यार मर गया भाई आपके चक्कर में, मैं शिट मैन। गाइज मैंने बोला था ना कि हम लोगों से प्रो प्लेयर कोई नहीं है ब्रो, इसने फुल फॉर्म में भी प्रिपरेशन की थी, बट अफसोस किस्मत हमारे साथ थी गाइज। और मैं चाहता हूँ कि आप अभी कभी इसी बात पे यार एक लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, हम लोगों को ये मैच जीतने के लिए लाइक्स ही लाइक्स चाहिए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर राउंड नंबर, कौन सा राउंड नंबर होने वाला मेरे को पता भी नहीं। ओके राउंड नंबर 5 ऑफ लास्ट टीम स्टैंडिंग, आरपीजी वर्सेस जेट्स। ओके रेडी हो जाओ गाइज, क्योंकि इस बार हम लोग भी चॉप के साथ एकदम वही हाल करने वाले हैं जो उसने मेरे साथ डिसाइड किया था पिछले मैच में करने का। लेकिन अफसोस किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया भाई, इसलिए वो बेचारा अपने प्लान में फेल हो गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा गाइस, आपको तो पता ही है मेरा निशाना एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लगता है, और फाइटर जेट्स भाई मेरे से अच्छा कोई नहीं चलाता। मेरे को यार प्लेन चलाने का ना लाइसेंस मिला हुआ है, हम लोग इतना अच्छा प्लेन चलाते हैं, इसलिए मैं चॉप को यार स्टंट्स मार के भी दिखाऊंगा। फ्रॉस्टे भाई, अरे फ्रॉस्टे भाई मार दोगे क्या भाई? नहीं भाई इस बार तो तू गया, इस बार मैं दिखाऊंगा तेरे को कि एक असली मिलिट्री पायलट कैसे प्लेन चलाता है। और एक सेकंड भाई, ये तो कुछ बॉम्बार्डिंग कर रहा है, मेरे को थोड़ा डिस्टेंस अपने और चॉप के बीच में बढ़ाना होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो हमारा प्लेन क्रैश कर जाएगा। फ्रॉस्टे भाई यार आप तो कहां-कहां से निकाल रहे हो भाई, दिखाई भी नहीं दे रहा, प्लेटफॉर्म के नीचे से क्यों निकल रहे हो भाई? अरे प्लेटफॉर्म के नीचे से इसलिए नहीं निकल रहा हूं भाई क्योंकि मेरा मन नहीं था, लेकिन क्या करूं प्लेन ठुक जाता ऊपर से आता तो। अरे अरे भाई मैं तो इस बार देख ही नहीं पाया गाइस, आप लोगों को पता है प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लाइक इतने सारे पैटर्न्स बने हुए ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे को समझ नहीं आ रहा चॉप का बच्चा है किधर। फ्रॉस्टे भाई मैं आपके एग्जैक्टली चो भाई, हिम्मत है तुम मारो मेरे को। ओके अब तूने भाई बहुत कर दिया, अब मैं इसको बताता हूँ गाइस। सीधा नीचे बोला ना इसने, ये करेंगे हम लोग कामिकाज़े अटैक। अरे मर गया भाई, तुम मरा कि नहीं? फ्रॉस्टे भाई मैं तो नहीं मरा भाई, लेकिन आप जरूर मर गए। यस गाइस लेट्स गो, अपन लोग एक राउंड जीत चुके हैं, हुर्रे। अरे भाई यार इसके चक्कर में आ गया गाइस मैं, अरे मैं इतना अच्छा खेल रहा था भाई, मेरे को इस टुच्चू मुच्चू इंसान के बातों में नहीं आना चाहिए था गाइस, और मेरे को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना चाहिए था, बट मैंने क्या कर दिया, मैं ईगो में आकर के मैंने अपना प्लेन फोड़ दिया यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट राउंड में हम लोग मेकअप कर लेंगे, और अब टाइम है राउंड नंबर 6 का, और देखते हैं कि क्या इस राउंड में हम लोग जीत पाएंगे, लेट्स सी। ओ भाई वेदर जो है काफी ज्यादा क्लाउडी हो चुका है गाइस, माहौल बन चुका है एकदम भयंकर डेथ मैच का, और अभी मेरे और चॉप के बीच में वही होने वाला है। सबसे पहले हम लोगों को अपना एमो कलेक्ट कर लेना है हर राउंड के जैसा, इस राउंड में भी बहुत ज्यादा मारामारी होने वाली है, बट देखने में ये इंटरेस्ट होगा गाइस कि इस बार क्या चॉप अपने बात पे खड़ा रह पाता है या फिर नहीं, और हम लोगों को अपने प्लेन से मार पाता है या फिर हमेशा की तरह अपनी बेइज्जती करवा के घर चला जाता है, लेट्स सी। ऑलराइट मेरा सारा एमो कलेक्शन यार कंप्लीट हो चुका है, चॉप भी यहां पर। अबे चॉप तू क्या कर रहा है भाई? फ्रॉस्टे भाई एक सेकंड रुको यार, मेरे को यहां पे गेम का सेटिंग एडजस्ट करना पड़ रहा है भाई। अरे भाई यार ये बंदा अपना गेम का सेटिंग एडजस्ट करते रह जाएगा और हम लोग राउंड जीत जाएंगे भाई, जल्दी कर ले, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे को ना बेताबी हो रही है भाई तेरे को मारने की, मेरे से रुका नहीं जा रहा है तेरे, तब तक मैं तेरा प्लेन फटते हुए नहीं देखूंगा अपनी आरपीजी का, तो भाई मेरे को सुकून नहीं मिलने वाला है। फ्रॉस्टे भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, जैसे साउथ इंडियन मूवी का विलन हो भाई, आ रहा भाई रुको। ऑलराइट गाइस चॉप रेडी हो चुका है, प्लेन के अंदर बैठ चुका है, एंड अब वो किसी भी समय पे टेक ऑफ ले सकता है। अपने आंखों को यार एकदम क्लियर कर लो फिनाइल मार के, क्योंकि अब टाइम आ चुका है अल्टीमेट बैटल का। फ्रॉस्टे भाई फिनाइल क्यों मारेगा भाई, फिनाइल मारना जरूरी नहीं है, कोई फिनाइल मत मारना भाई आंख खराब हो जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूं भाई। ओके और ये अरे बच गया। ओ भाई कितना ज्यादा क्लोज निकला है गाइस, आप लोग देख रहे हो गाइस, लगता है इस बार चॉप फाइनली सीरियस होने का डिसीजन ले चुका है, और मैं भी देखता हूं भाई कैसे आएगा। अरे अरे भाई पागलों के जैसा क्यों चला रहा है, अभी अभी मैंने बोला कि तू सीरियस हो चुका है, लेकिन लगता नहीं है गाइस कि ये सीरियस है। फ्रॉस्टे भाई देखो क्या है कि मेरे को प्लेन चलाना उतना अच्छा से आता नहीं है भाई, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ऐसा मत बोलो मेरे बारे में। ओके तू आराम से चला भाई प्लेन, मैं तब तक इसको आरपीजी से मारने का कोशिश करता हूं। भाई मैं जहां पे भी एम करता हूं ये बंदा इतना बेवकूफ है, कहीं पे भी प्लेन लेके चला जाता है, लाइक मैं एम कर रहा था नीचे मारने के लिए ये ऊपर लेके चला गया, ऊपर एम कर रहा था नीचे लेके चला गया, भाई तू कभी भी सीधा जा सकता है? फ्रॉस्टे भाई देखो मैं इतना नूब हूं कि आप मेरे को आरपीजी भी नहीं मार सकते हो, सोच रहे हो? अरे भाई रुक इस बार गया, अरे यार फिर से निकल गया तुम्हारी भाई, मैं आरपीजी फेंक कर मारूंगा तुमको, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। फ्रॉस्टे भाई आरपीजी तो फेंक कर मार रहे हो भाई, और कैसे मार रहे हो आप मेरे को? देखो गाइस ये बातों बातों में मेरे को फंसा रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अरे 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 भाई सही में मर गया। ये क्या हुआ? फ्रॉस्टे भाई पता नहीं यार मेरे को दिखाई नहीं दिया भाई, कंट्रोलर पे गलत बटन दब गया गलती से भाई, इसीलिए बोलता हूँ मेरे से मत खिलवाया करो।
भाई इस बार तो हम लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ा, देखा आप लोगों ने, इसीलिए बोलता हूँ कि आप अपने पेट्स के साथ यार हमेशा डेथ मैच करो, डेफिनेटली आप ही जीतोगे। फर्स्ट भाई आपको शर्म आनी चाहिए भाई, कुत्तों को हरा के हंसते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तू मेरा दोस्त जैसा है, तू कैसे बोल सकता है मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, टाइम फॉर राउंड नंबर 7। और जो भी बात पास्ट की है उसको पास्ट में ही रहने देते हैं क्योंकि अभी फ्यूचर में चल रहे हैं हम लोग, और इस मैच का विजेता होऊंगा मैं ऑब्वियसली, पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि राउंड नंबर 7 आ चुका है गाइस। कम ऑन, इस मैच को जो भी जीतेगा वो प्रेटी मच पूरा का पूरा राउंड जीत जाएगा। लेकिन आई थिंक अगर मैं इस राउंड को नहीं भी जीतूंगा तब भी मैं मैच जीतूंगा गाइस, क्योंकि आई एम जस्ट अ प्रो पर्सन और ये हम लोगों का फाइनल मैच होने वाला है। ऑलराइट लेट्स गो, प्लेन यहां पर हो चुकी है गाइस, टेक ऑफ, काफी ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं हम लोग। देखना यह है कि क्या चॉप हमारी स्पीड को मैच अप कर पाएगा या फिर वो चकमा खा जाएगा। लेट्स गो, और चॉप द ग्रेट। भाई कहां खड़ा था तू? फर्स्ट भाई मैं जानता था कि आप मेरे को मारना चाहते हो, इसलिए मैं एज पे खड़ा था, वहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल होती है भाई मारने में। अरे यार इसको पता चल चुका है गाइस सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, मार दिया। अबे मैंने तेरा टकला मारा क्या? फर्स्ट भाई मेरा हेल्थ कम हो गया भाई, लेकिन मैं मरा नहीं, बच गया भाई। अरे यार गाइस मेरे को लगा था कि हम लोगों ने चॉप का गेम दी एंड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, और इस बार तो मर जा। अरे भाई फिर से बच गया। फर्स्ट भाई इस बार तो मैं आपके प्लेन के ऊपर से जंप कर गया भाई, सच बोल रहा हूँ, आप बहुत डेंजरस प्लेन चलाते हो यार। अरे क्या बोलूं यार, मैं तेरे को मार कैसे नहीं पा रहा हूँ। फर्स्ट भाई देखो यार एक ही तरीका है भाई, आपको सुपर फास्ट स्पीड पे आना पड़ेगा तभी मार पाओगे मेरे को। ऑलराइट गाइस इस बार मैं काफी ज्यादा दूर से आता हूँ ताकि हम लोगों की स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा तेज हो जाए। आई थिंक प्रिजन के बाद इतना जगह काफी होगा। अब हम लोग प्लेन को मुड़ाते हैं और काफी ज्यादा स्पीड से अटैक करेंगे गाइस, क्योंकि सुपर सोनिक स्पीड पे चॉप हमें देख भी नहीं पाएगा, तो डॉज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। फर्स्ट भाई यार देख लो भाई, इतना ज्यादा भी तेज बताना कि खुद ही ठुक जाओ। ओके वो तो वक्त ही बताएगा ब्रो। और यहाँ पर नीचे लाके बैम, अरे फिर बच गया। भाई कहाँ खड़ा था तू? फर्स्ट भाई मैंने बोला ना मैं आपके सारे ट्रिक समझ चुका हूँ, मैं इतनी इजीली नहीं मरने वाला फर्स्ट भाई। ओके ब्रो मैं भी इस बार इजीली तेरे को राउंड नहीं जीतने दूंगा, फाइनल राउंड है ये, ऐसे ही नहीं हारने वाले गाइस हम लोग। थोड़ा दूर से आएंगे और इस बार वादा करता हूँ चॉप तू मर चुका है। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, इसको मार्केट गेम खत्म करते हैं एंड बूम। देखा बोला था मैंने, और इसी के साथ राउंड जीत चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोग को मजा आया होगा। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी। We'll be right back.